हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा मार्वल लोकी टीवी सीरीज के थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड के बारे में। थर्ड एपिसोड के ऊपर मैंने कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उसमें कुछ ऐसा खास देखने लायक नहीं था, पर आज का जो फोर्थ एपिसोड रिलीज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो ये वीडियो भी स्पॉइलर से भरा होने वाला है क्योंकि मैं स्टोरी और ईस्टर एग के बारे में बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ रिव्यू भी करूंगा कि पर्सनली मुझे कैसा लगा। तो अगर अभी तक आपने फोर्थ एपिसोड नहीं देखा तो जाके पहले फोर्थ एपिसोड देखो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली एपिसोड फोर की शुरुआत होती है एसगार्ड से, और आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये एसगार्ड दूसरी टाइमलाइन का है जिसमें कि हमें फीमेल लोकी की दुनिया दिखाई जाती है, उसका बचपन दिखाया जाता है और वो अपने फेवरेट टॉय से खेल रही होती है जिसका एक का नाम होता है ड्रैगन और एक का नाम होता है वेलकरी। और तेन तुरंत ही वहाँ पर उसी टाइमलाइन में टीवी के मेंबर आते हैं, पोर्टल खोलकर फीमेल लोकी को पकड़ के ले जाते हैं, पर गुनाह क्या होता है ये रिवील नहीं करा। उसी के साथ थर्ड एपिसोड के बाद स्टोरी कंटिन्यूस स्टार्ट होती है फोर्थ एपिसोड के लिए, जिसमें कि लिमिथियस प्लेनेट वन जिसपे कि फीमेल लोकी और हमारा लोकी फंसा हुआ होता है, और यहाँ पे हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है जो कि पहले ही राइटर ने कंफर्म कर दिए कि लोकी एक सेक्स फ्लोइड है, यानी कि वो अपने ही फीमेल वर्जन से प्यार कर सकता है और अपने ही मेल वर्जन से भी। तो यहीं पर हमें वो देखने को मिलता है जो कि राइटर्स ने पहले ही क्लियर कर दिया था। लोकी अपने ही कैरेक्टर को फीमेल वर्जन से प्यार करने लगता है, और जैसे ही वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं एक टाइमलाइन क्रिएट होती है और टीवी को पता चल जाता है और टीवी तुरंत उनको पकड़ लेता है। जी हाँ, और देन वो दोनों बच जाते हैं लिमिथियस प्लेनेट वन से। अब यहाँ पर पूछताछ का मामला चालू होता है जिसमें कि मोबियस लोकी को पकड़ के ले जाता है और उसी के साथ हंटर भी 15 पकड़ के ले जाती है फीमेल लोकी को। तो बात करें अगर मोबियस की, तो मोबियस कहता है कि तुम मुझे बात बताओ कि ये सब चल क्या रहा है, तुम्हारे मन में प्लानिंग क्या है। तो लोकी सब कुछ बताने से मना कर देता है और उसको ऐसे टाइम पीरियड में भेज देता है जहाँ पे कि हमारी मुलाकात होती है सिफ से। जी हाँ, और देन अब इसकी स्टोरी कंटिन्यूस देखने को मिलेगी हमें थॉर 4 में। अब ये एक टाइम पीरियड है जो कि घूमता रहता है। और देन अगर दूसरी तरफ लोकी की बात करी जाए फीमेल वर्जन की, तो हंटर बी 15 जाती है फीमेल लोकी के पास और वो उसको मारती नहीं, उससे पूछताछ नहीं करती है, वो उससे कहती है तुम मुझे वो दिखाओ जो तुमने मुझे पहले दिखाया था, यानी कि उसकी टीवी से पहले की याद है। और जब वो देखती है तो वो सच्चाई जान जाती है। और देन फाइनली यहाँ पर मोबियस को पता चल जाता है कि टीबीए बहुत कुछ कांड कर रहा है और देन हम सब वेरिएंट हैं, हमको भी पकड़ा गया है अपनी ओरिजिनल लाइफ से, हमारी टाइमलाइन मिटा दी गई है। पर ये सब चीज़ें पता चल जाती है पहले ही टीबीए के हेड को, और देन वो मोबियस को मारने का ऑर्डर दे देती है और यहाँ पर मोबियस ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जिस रॉड से उसे मारा जाता है उसका भी राज आगे जाके खुलता है, वो आप खुद समझ जाओगे जब आप वीडियो पूरा कंटिन्यूस देखोगे। और देन दोनों ही लोकी वर्जन्स को टाइम कीपर के पास ले जाया जाता है उनकी सजा देने के लिए। और देन यहाँ पर फीमेल लोकी से पूछती है क्या तुम सही हो, तो यहीं से पता चल जाता है कि दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। और देन फाइनली हमें बेहतरीन लुक देखने को मिलता है टाइम कीपर्स का, और देन दोनों लोकी सामने खड़े हुए हैं और टाइम कीपर्स का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। पर एंड ऑफ दी लड़ाई चालू हो जाती है बहुत ही क्लाइमैक्स तरीके से, और देन जो सस्पेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। यहाँ पर फीमेल लोकी टाइम कीपर्स को मार देती है और यहाँ पर ये सीन देख के मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ क्योंकि टाइम कीपर्स एक्चुअली में टाइम कीपर्स है ही नहीं, टीवी को और कोई चला रहा है और देन टाइम कीपर्स एक्चुअली में रोबोट निकले। और यहाँ पर लोकी कहता है कि ये कुछ और है, इसको कौन चला रहा है, तुरंत लोकी भी मर जाता है उसी रोड से। और देन फीमेल लोकी फाइनली पकड़ लेती है उस टीवी के हेड को और कहती है अब तुम सच्चाई बताओ। यहाँ पे एपिसोड पूरा खत्म हो जाता है एपिसोड 4, फिर बीच में मिड क्रेडिट सीन दिया गया है जो कि एपिसोड 4 में ही हमें देखने को मिला। और देन यहाँ पे हम पोस्ट क्रेडिट सीन मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि फाइनली लोकी के और भी वर्जन्स हैं और ये सारे के सारे मिलकर टीवी को तबाह करेंगे। और मेन विलन जो है, मुझे पर्सनली जो लगता है वो है कॉन्करर जो कि एंटमैन मूवी का विलेन है थर्ड पार्ट का, और देन मुझे लगता है कि टीवी को यही चला रहा है और बेवकूफ भी टीवी को पूरा यही बना रहा है। ओवरऑल टाइमलाइन सब इसने ही खराब करी है। और आपको बता दूं कि ईस्टर एग भी देखने को मिला वैम्पायर्स का, टीवी ने वैम्पायर साथ की भी लड़ाई करी थी। और देन आगे एमसीयू में एक मूवी भी आ रही है ब्लेड, जिसमें कि इन्हीं हमें मार्शल अली देखने को मिलेंगे। तो यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाला ईस्टर एग देखकर। देन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओवरऑल थर्ड एपिसोड फोर्थ एपिसोड बहुत ज़्यादा कमाल करा और फिफ्थ एपिसोड में लोकी अपने ऑल वर्जन्स के साथ मिलकर तबाही मचाएगा। तो गाइस पूरा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल करा, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।